हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुचित्रा क्षेत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूके गार्डनर व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूं अपनी मम्मी के यहां। तो मेरा लुक आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल सा कॉटन का सूट पहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और मैंने पहनी है अपनी न्यू सैंडल्स, न्यू चप्पल्स जो कि मैं बाज़ार से ख़रीद के लाई थी। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी सोना बच्ची, ये पुच्ची चिढ़ता है, लियोशी चिढ़ता है, काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है। लियो, ये मारा तुझे पुच्ची ने, मारा बिटलियो को। कहाँ गई? फोकस हो, फोकस, 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 फोकस नहीं होता। हो गया, हो गया, हो गया। मेरा बच्चू, मेरा प्यारा बच्चा, तो ये है मेरा सोना बच्चा, काटा कुटिया कुट्टू कहीं को। जिमी बाय। तो आज हम निकले हैं अपनी मम्मी के यहाँ जाने के लिए, तो वहाँ का ब्लॉग दिखेगा आपको, तो बने रहिएगा ये ब्लॉग में एंड तक। जिम्मी तू क्यों आ रहा पीछे पीछे हमारे? देखिए भी आ गया पीछे पीछे, पागल मेंटल कहीं का। तो हमारे घर के जो दो रास्ते हैं उनमें से ये एक है शॉर्टकट, जिसमें से यहाँ गली से निकलना पड़ता है। देखिए वजह से निकली है, मोटा कोई इंसान हो तो फंस जाएगा। निकले गली से बाहर, तो यहाँ से आ गए हैं हम मेन रोड में, और यहाँ से पकड़ना पड़ेगा हमें विक्रम। और रोड बन रही है, जगह जगह रोड की बहुत बुरी हालत हो रही है। देखिए तो अब हमें यहाँ खड़ा होना पड़ेगा जब तक कि विक्रम नहीं आ जाता। वहाँ स्टैंड में खड़ा हुआ है, अब आएगा तब हम बैठेंगे विक्रम में। तो रोड ख़राब होने की वजह से विक्रम वहाँ से नहीं चल रहा था, यहाँ से चलेगा, पैदल आना पड़ा। बहुत हालत ख़राब है। केदारपुर, केदारपुर जाना है। हाँ, तो पहुंच गए हैं हम अपनी मम्मी के यहाँ। तो कर ली है हमने एंट्री मम्मी के घर में। तो घुसते ही साथ देखिए कि कितना अच्छा गार्डन नज़र आता है, कि काफ़ी सारे पेड़ पौधे मेरी मम्मी ने लगाए हुए हैं। और यहाँ पर हैं दो तोते। तो एक तोता तो ये जो नीचे वाला है, ये कम से कम 20-22 साल पुराना उम्र का तोता है, काफ़ी पुराना है। और हमने इसको दिल्ली में लिया था जब हम दिल्ली में रहते थे। मेरे पापा दिल्ली पुलिस में हैं थे, मतलब अब रिटायर हो गए, तो हम वहाँ पे रहते थे जब, तब लिया था हमने उसे। कैमरा मैन हुए हैं आज का। तो जब मैं आई थी घर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी। और शाम को जब मैं गई तो बहुत बारिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था।
तो मतलब बारिश का मौसम एकदम से ही हुआ। जब मैं आई थी तो काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और फिर एकदम से शाम को काफ़ी अच्छी बारिश हो गई। तो बहुत अच्छा, मतलब आज का दिन बहुत अच्छा गया। तो हम लोग तो दिन भर बस बाहर ही बैठे रहे बारिश में, मतलब, और नहाए भी आ गया, आप देख लेना वीडियो में। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है, तो आप ज़रूर देखिएगा पूरा व्लॉग मेरा। और व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लो भाई ऑन कर दिया, कुछ करो एक्टिविटी। तो यहाँ पर स्मार्ट टीवी लगा हुआ था, वाईफाई भी लगा हुआ था, तो बच्चे कह रहे थे कि यूट्यूब में अपना व्लॉग देखते हैं, तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग लगा रही थी यूट्यूब चैनल का। हाँ इसी पे लगा दे जो चल रहा है भाई। हाँ भाई श्रेया कुछ तो बोल दे, कुछ तो बोल दे। हाँ यार टीवी में लगा दे, मजा आएगा, इतने बड़े टीवी में देखेंगे हम। फिर वाला लगा देना रानी खेत वाला। हाँ हाँ लगा दे लगा दे लगा दे, पांजे लगा दे, बिग स्क्रीन पे देखेंगे हम अपने आप को। लगा दे यूके गार्डनर लगा दे, रेनू पुपू वाला लगा दे। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ सुचित्रा छेत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूके गार्डनर ब्लॉग। तो आज मैं कराऊंगी आपको मेले की सैर, जो कि लगा हुआ है। ओ मैं भी कितनी क्यूट लग रही, प्रांजल तो हीरो लग रहा यार। ये जो टनल वाला एक्वेरियम है, देखिए मूवी चल रही है और यहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई है। धूल मिट्टी आ रही है भाई, छिछी आँख में जा रही है। तो यहाँ पर पहले शाम के टाइम में तो खूब आंधी तूफान चलने लग गया और उसके बाद फिर बहुत भयंकर बारिश हो गई। बवंडर किसका फोन आ रहा है? ये तेरे उसका तो फोन नहीं आ रहा कहीं। पापा क्या कर रहे हैं वहाँ? आम झड़ रहे बाबा, कैसी आंधी तूफान आ रहा। ये भी गिर गया, ये क्रिसमस ट्री। ये गिर गया पेड़, क्रिसमस ट्री। तो देहरादून में बारिश हो चुकी है, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ बारिश हो चुकी है देहरादून में। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, आज मैं अपनी मम्मी के आई और वहाँ पे देखिए बारिश आ गई है, कितनी सुंदर बारिश हो रही है। देखिए मौसम हो गया है बिल्कुल खतरनाक। वाइट मंगा वाइट। और ये दोनों सहेलियाँ मौसम का मजा लेते हुए, और ये दोनों बोल रहे हैं कि चलना भीगते हैं। ये देखो दोनों बच्चे खुश हो रहे हैं, उछल रहे, छोटे बच्चों की तरह ही उछल रहे, चलो भीगते हैं। अरे वाह मजा आ गया, मजा आ गया। फाइनली देहरादून में बारिश हो चुकी है इतनी तेज गर्मी के बाद, ब्रेकिंग न्यूज। जा प्रांजल तू भी भीग ले। अरे यही सूख जाएगा, सूख जाएगा, भीग ले। कौन सा इतनी बारिश हो रही है, हो तो रही है वैसे। बारिश के फुल मजे लिए जा रहे हैं, देखो हवा के साथ साथ बारिश भी हो रही है। प्रांजल तू भी नहा ले, नहा ले, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, देख ले नहा ले, खड़ा हो जा वहाँ पे। एक कहाँ गए तुम लोग, इधर आओ। पागल लोग क्या करते। एक बार और
ये देखिए गाइस, ये कौवा बिल्कुल हाथ से खा रहा है, डर भी नहीं रहा। डेली आता है ये कौवा और ऐसे खाना खा के जाता है ये, जैसे घर में इसको पाला हुआ होगा। ये देखो हाथ से खा रहा है, हाथ से, डर भी नहीं रहा, गया उधर। तो फिर शाम के टाइम हम लोग आ गए थे यहाँ बंगाली कोठी, और बंगाली कोठी में यहाँ पर मेरे हस्बैंड का रेस्टोरेंट है मोमोज किंग के नाम से, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। तो मम्मी कहने लगी कि चलो मोमो खा के आते हैं, और मतलब साथ भी हो जाएगा उनका। तो हम लोग गए थे तो हमने मोमोज खाए थे, और मैं मोमोज खाते वक्त मैं शूट नहीं कर पाई, मोमो देख के मैं भूल गई कि मुझे शूट भी करना है, क्योंकि मोमो इतने मतलब अब क्या करें, मोमो मतलब ऐसी चीज़ है कि देखकर मैं भूल जाते हैं कि मतलब सब कुछ भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो मैं भूल गई कि मुझे शूट भी करना है, तो मैं वहीं से अपने मतलब सास ससुर के लिए सब्जी भी लेकर आई थी, आ गई थी चिकन वगैरह, मैंने घर में आके फिर फटाफट रोटी बना दी थी। तो आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी देहरादून में, बहुत हैवी मतलब रेन मतलब हुआ, मतलब रेनफॉल हुआ। तो देखिए कि कितनी थोड़ी सी देर की बारिश में कितना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था यहाँ पे, और हमें विक्रम भी नहीं मिल रहा था, मतलब गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से हम थोड़ा आगे पैदल तक चल के आए, और उसके बाद हमें यहाँ पे ये ई रिक्शा मिला, जिसमें मतलब 20 रुपये एक जने का उसने लिया, 60 रुपये में हम घर पहुँच गए थे। तो मेरी मम्मी के घर का और मेरे ससुराल का रास्ता 5 मिनट का है गाड़ी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा मतलब पानी इकट्ठा हुआ था, और काफ़ी देर लग गई थी, क्योंकि पानी इकट्ठा होकर रोड जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जगह जगह रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो हम 9 बजे तक घर में पहुँचे थे, पहुँच चुके हैं हम अपने घर, और रात के बज चुके हैं 9:30, और 9 बजे करीबन मैं पहुँच चुकी थी, और आते ही साथ मैंने अपने सास ससुर को रोटी बना के खिलाई, और खाना मैं लेकर आई थी, मतलब सब्जी लेकर आई थी मैं रेस्टोरेंट से अपना, तो मेरे हस्बैंड का रेस्टोरेंट है तो मैं वहाँ से लेकर आई थी। तो 9:30 बज चुके हैं, और बस मैं यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो और आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो बस फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का यही मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट।